खबर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं रोहतक से, आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, ये बड़ी जानकारी रोहतक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का बड़ा आरोप भी सामने आया है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया और कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रोहतक से, आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। तो आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, रोहतक का ये पूरा मामला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपस में ही बीजेपी और कांग्रेस की कार्यकर्ता भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद है, पुलिस की ओर से भी समझाइश की जा रही है। ये तस्वीरें जहां पर किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई थी और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है और कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी का आरोप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाया है। तो आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भिड़ंत हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं रोहतक में ये भिड़ंत हुई और वहीं पुलिस बल भी तैनात रहा, पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि किन कारणों से ये हंगामा बरपा। आपको बता दें कि बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं। तो आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो भारी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते ये हंगामा बरपा। तो पुलिस भी लगातार समझाने की कोशिश करती इन तस्वीरों में नजर आ रही है। किसी बात को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा हुआ। आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हो गई। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक से हिसाब मांगने के लिए महिला कार्यकर्ता पहुंची थी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने बड़ा आरोप लगाया, विधायक के बेटे पर बदतमीजी करने का आरोप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाया गया है। तो ये विवाद इतना बड़ा कि बात हाथापाई तक आ गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस विधायक के बेटे पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो वहीं पुलिस बल भी मौजूद रहा, पुलिस की ओर से समझाइश की गई। तो कांग्रेस विधायक से हिसाब मांगने के लिए महिला कार्यकर्ता पहुंची थी, तो वहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक के बेटे पर बदतमीजी के आरोप बीजेपी महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए। तो ये तस्वीरें जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक के बेटे पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने बदतमीजी करने का आरोप लगाया। ऐसे ही मुझे सूचना मिली, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो रानी की डार के चुन्नी को खींचा गया, उनको अब सब कह गए 500 रुपए दलित विरोधी है। तो इस बात को मुझे सहन नहीं, और मेरी बहन के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, तो मैंने सारों को पार करते हुए मैंने कहा मैं देखूंगा, मैंने सिर्फ गाली गलौज दिया, मैंने कहा पंप लाइन बांट रहे हैं, 20-17 से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो हम मांग सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं किया। मेरी बहन बेटी के साथ हुआ, उसके जुलम को सहन कर, वो कम से कम 50 लोग थे बगैर गाड़ी में आए थे, उनके खिलाफ 50 के 50 कार्रवाई की जाए। वो बगैर नंबर की गाड़ी में क्यों आए, किन की गाड़ी थी, आया उन्होंने शीशों की गाड़ी भी थी बगैर नंबर की, होने लगे हुए थे, उन्होंने बड़ी बदतमीजी करी है, उन्होंने चुनिया उतारी, कांग्रेस के गुंडे आए हैं जो हमारे साथ हरकतबाजी करी है, बड़ी बदतमीजी करी हमारे साथ। जुबाबी के पंपलेट बांट रहे थे, जुबाब मांग रहे थे, भी 5 साल पहले तुमने क्या करा, तुमने शौचालय बनवाए हो, सीटी कैमरे लगवाए हो, यही बात थी। तो वो लोग बदतमीजी भागे एकदम से हमारे साथ, सिद्धांत पत्रा और काफ़ी
30-40 बंदे थे पहले तो, फिर बाद में और भी आ गए। आज आप धरने पे बैठे थे? देखो हमने कल एप्लीकेशन लगाई, हमारे से एक बजे का टाइम दिया था भाई, कल तुम्हारे को एक बजे तुम्हारे को फैसला सुनाया जाएगा। हम एक बजे के बाद हम 2 बजे आए हैं तो हम धरने पे बैठे, हमारी सुनाई नहीं करी है पुलिस ने। जब आए हम धरने पे, पुलिस सुन रही है गुंडों की, कांग्रेस पार्टी है गुंडा की, तो गुंडों की सुन रही है, हमारी कहाँ सुन रही है? एक लेडीज़ अपमान कर रहा है, इतना बदतमीजी करी लेडीज़ के साथ, तो अभी नहीं सुन रहे हैं दलित के साथ। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं, गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, बदतमीजी करने के आरोप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से हिसाब मांगने के लिए आए थे। और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। तो वहीं देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो वहीं पुलिस भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस की ओर से भी समझाइश करने की कोशिश की जा रही है लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, यह हाथापाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर कांग्रेस विधायक के बेटे पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं, बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किस कारण ये विवाद हुआ, किस कारण बात हाथापाई तक पहुंच गई, और पुलिस की ओर से दोनों पक्षों को भी सुना जा रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं पुलिस की ओर से समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि कांग्रेस विधायक के बेटे की ओर से उनके साथ बदतमीजी की गई और गुंडागर्दी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि किस बात को लेकर इतना विवाद हो गया। देखिए कल की ही ये घटना है जहां पर बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो रेलवे रोड पर पोस्टर चिपका रही थी और उन पोस्टरों में जो यहां से जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक है बीबी बत्रा, उनसे 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा था। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक का बेटा है बीबी बत्रा का, सिद्धार्थ बत्रा, वो मौके पर पहुंच गए और जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में बहस हो गई, देर रात तक ये मामला चला। उसके बाद में आज सुबह भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के घर के बाहर बैठ गए, तो वहां पर भी दोनों कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई। तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस की ओर से क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? देखिए पुलिस इस सारे मामले में बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में उलझे थे, तो इस सारा मामला दोनों तरफ से सुना गया है लेकिन कार्रवाई किसी पर भी नहीं की गई है। लेकिन दिनेश देखिए बीजेपी महिला कार्यकर्ता का हम बाइट सुना रहे थे अपने दर्शकों को, उनका आरोप है कि पुलिस भी नहीं सुन रही है, पुलिस की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के SP है हिमांशु गर्ग, उनके आवास के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे और उन यहीं से मांग उठाई जा रही थी कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे हैं और वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उचित आश्वासन दिया है। और दिनेश बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस विधायक के बेटे पर भी बदतमीजी का आरोप लगाया है, वो आरोप कहाँ तक सिद्ध साबित हो रहे हैं? देखिए फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं का भी यही कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर झूठा आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता खुद सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो विधायक के जो बेटे हैं उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और वहां पर जो और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी बदतमीजी की। तो फिलहाल तो यही आरोप प्रत्यारोप चले। चलिए बहुत शुक्रिया आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, हालांकि पुलिस की ओर से भी लगातार समझाइश की गई। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरा मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा हुआ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत इन तस्वीरों में नजर आ रही है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कांग्रेस विधायक के बेटे ने उनके साथ बदतमीजी की थी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी के आरोप भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो हाथ में तख्तियां लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई तक बात पहुंच गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस पूरे मामले को लेकर समझाइश की कोशिश भी कर रही है। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से कांग्रेस विधायक के बेटे पर बदतमीजी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक भी पहुंचा है। सीएम नायब सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये जोरदार टकरार देखने को मिला, ये हंगामा बरपा, बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कांग्रेस विधायक से बीजेपी की कार्यकर्ता हिसाब मांगने के लिए पहुंची थी और इस दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस विधायक के बेटे ने बदतमीजी की है। इस तरह के आरोप बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पक्ष में है। तो वहीं विधानसभा चुनावों से पहले यमुना